नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली आज तक। वक्त आपकी प्रॉपर्टी का है। रियल एस्टेट सेक्टर की कमजोरी ने घर खरीदारों, निवेशकों से लेकर बैंकिंग सेक्टर तक की नींद उड़ा रखी है, लेकिन इसी प्रॉपर्टी मार्केट ने छोटे शहरों में अपनी धाक जमाने में कामयाबी हासिल की। अब टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में प्रॉपर्टी के रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेगमेंट्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत में रियल एस्टेट सेक्टर की कमजोरी को अब छोटे शहरों, जिन्हें टीयर टू और टीयर थ्री कहा जाता है, उनसे मदद मिलने लगी है। इस ट्रेंड में बढ़ोतरी की बड़ी वजह छोटे शहरों में तेजी से विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर और कम कीमत है। इसके साथ ही प्रवासी भारतीय निवेशकों के लिए भी पैसे लगाने के मकसद से ये मार्केट फायदेमंद साबित हो रहे हैं। जानकारों का मानना है कि सरकार की इस सेक्टर को पारदर्शी बनाने की कोशिश से निवेशक यहां पर आकर्षित हुए हैं। अब केवल वही निवेशक यहां पर आ रहे हैं जो लंबे वक्त तक निवेश के जरिए वाजिब मुनाफा कमाना चाहते हैं। एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के एक हालिया सर्वे के मुताबिक 26% निवेशकों ने टीयर टू और टीयर थ्री शहरों की प्रॉपर्टी में भरोसा जताया। सर्वे में दावा किया गया है कि 58% लोगों ने छोटे शहरों में अपने रहने के लिए प्रॉपर्टी खरीदी है। 42% लोगों ने निवेश के लिहाज से यहां पर प्रॉपर्टी खरीदी है। एनारॉक के पिछले सर्वे के मुकाबले ये आंकड़ा 10% ज्यादा है। छोटे शहरों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बढ़ते चलन ने अब वहां पर कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज की डिमांड में भी इजाफा किया है। हॉस्पिटैलिटी और कमर्शियल जो सेक्टर्स हैं, उनकी उन सेक्टर्स के जो टेनेंट्स हैं, बड़े बड़े टेनेंट्स, उनके बड़े एक्सपेंशन प्लान्स हैं, तो उनकी खुद की डिमांड स्मॉल सिटीज में बहुत अच्छी आ रही है। तो उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए डेवलपर्स डेवलपमेंट ला रहे हैं स्मॉल टाउन्स में, और ऑल अराउंड ग्रोथ हो रही है स्मॉल टाउन्स में। इन इलाकों में प्रॉपर्टी की डिमांड में बढ़ोतरी की एक वजह अंतरिम बजट में किए गए कई ऐलान भी रहे हैं। इसमें मकान से किराए की आमदनी पर टीडीएस छूट की सीमा 1,80,000 से बढ़ाकर 2,40,000 करना रहा है। इसके साथ ही कैपिटल गेन टैक्स पर छूट का दायरा, जो पहले एक घर पर निवेश तक सीमित था, उसे बढ़ाकर 2 घरों तक करना भी डिमांड में बढ़ोतरी की वजह बना है। इन दोनों वजहों से लोगों को किराए की आमदनी हासिल करने के लिए प्रॉपर्टी निवेश करना फिर से फायदेमंद नजर आने लगा है। इसके साथ ही रेरा के आने से भी लोगों का भरोसा बढ़ा है, जिसे जीएसटी रेट में कमी का दोहरा फायदा मिला है। हालांकि इन शहरों में रियल इस्टेट का दायरा अभी तक ज्यादा बड़ा नहीं था, अब जब यहां पर बड़े प्रोजेक्ट्स का निर्माण होगा और उनका पोजीशन लोगों को मिलेगा, तभी अपने सबसे बड़े इम्तिहान में ये सेक्टर पास हो पाएगा, वरना इसका हाल भी बड़े शहरों के अधूरे प्रोजेक्ट्स जैसा ही हो जाएगा। ऐसे में रेरा के साथ तमाम दूसरी एजेंसियों की भी जिम्मेदारी है कि ग्राहकों के हित के लिए हर हाल में सुरक्षित रहें। आज तक ब्यूरो। चलिए, तो रियल एस्टेट में आ रहे इसी बदलाव पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदीप जी हैं, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, जो हमारे साथ हमेशा इस शो में रहते हैं। साथ ही उद्धव पोद्दार जी हमारे साथ, सीईओ हैं भूमिका ग्रुप से। स्वागत है आपका दिल्ली आजतक के स्टूडियो में। प्रदीप जी, पहला सवाल आपसे, जिस तरह से जो इन्वेस्टमेंट बढ़ी है छोटे शहरों में निवेशकों की, क्या बदलाव इससे, क्या अच्छी खबर इसको रियल एस्टेट के लिए माना जाए? बिल्कुल ज्योति, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, देखो यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत सारा इंसेंटिवाइज किया है, तो उसमें एक अफोर्डेबल हाउसिंग सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। जैसे अगर भी हम देखें कि जीएसटी के रेट्स को 1% करना, जो कि पहले 8% होता था, 7% रेट डाउन करना, और जीएसटी को रीडिफाइन करना, मतलब अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें तो वहां अप टू 45 लाख रुपीज की वैल्यू, और नॉन मेट्रोज की बात करें तो वहां आपका 45 लाख की वैल्यू दोनों की सेम है, लेकिन साइज की बात करें तो 60 स्क्वायर मीटर आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, और नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में 90 स्क्वायर मीटर तक की प्रॉपर्टी, जो कि आराम से एक परिवार के रहने के लिए ये प्रॉपर्टी ठीक है। तो दूसरी बात, इसके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिवाइज किया, उससे टायर टू टायर थ्री सिटीज के अंदर बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू करी। तो मेरे को लगता है कि एक तरह से टायर टू टायर थ्री सिटीज का ही अब टाइम आ गया है, क्योंकि अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें, जो पहले एक फोकस हुआ करता था, एनआरआईज का भी एक फोकस हुआ करता था कि हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अपना एक इन्वेस्टमेंट करें, अपना घर बनाएं, वो ओवर क्राउडेड हुआ है, ओवर पॉपुलेशन इस एरिया में हुआ है, पिछले कुछ दिनों में रिटर्न कम आया है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण या डेवलपर्स ने फंड साइफन के कारण यहां पे एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिससे डिले इन पोजीशन भी।
बहुत ज्यादा देखने को मिला है, तो इससे भी लोगों का ध्यान टीयर टू टीयर थ्री सिटीज की तरफ बढ़ा है। उद्धव जी आपसे सवाल, ऐसे में क्या आगे फायदा निवेशकों को होगा अगर ऐसे शहरों में इन्वेस्टमेंट की जाती है प्रॉपर्टी को लेकर उनकी तरफ से, तो क्या ये फायदेमंद होगा या फिर आने वाले वक्त में जिस तरह से बाजार प्रॉपर्टी का ठंडा पड़ा हुआ है नुकसान भी हो सकता है? नहीं, मेरे हिसाब से टीयर टू टाउन में बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है और कंटिन्यू होगी अच्छी ग्रोथ, क्योंकि अगर आप देखें तो ये अनटैप्ड डिमांड था। जब से ऑनलाइन रिटेल ने छोटे टाउन्स में सर्विस करना शुरू किया, मालूम पड़ा इतना ज्यादा डिमांड था, अब वही ब्रांड वहां पर दुकानें खोलना चाह रहे हैं। अब दुकानें खोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मॉल्स बन रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, हर तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारा डिमांड ही अनटैप्ड था। सिमिलरली एनआरआईज भी अब अपने पुराने टाउन्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स इन टाउन्स में आ रहे हैं जो कि पहले नहीं आ रहे थे, इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, टीयर टू टाउन्स में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। कहाँ सबसे ज्यादा कुछ अगर हमारे दर्शक जो चाहते हैं कि आगे इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसी जगह की जाए जहां पर उन्हें आने वाले वक्त में फायदा मिले, तो कहाँ सबसे ज्यादा बेस्ट उनके लिए रहेगा, किस तरफ उन्हें चलना चाहिए? मैं एडवाइस करूंगा कमर्शियल साइड में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बिकॉज छोटे टाउन्स में कमर्शियल अभी भी बहुत कम है, रिटेल कमर्शियल ये एसेट क्लासेस हैं जहां पर बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, चाहे किसी भी टीयर टू टाउन में आप इन्वेस्ट करें। ज्योति, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि टीयर वन सिटीज में ही, जैसा मैंने अभी बताया कि इन्वेस्टमेंट का जो ट्रेंड था वो टीयर वन सिटीज का ही था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि जिस हिसाब से डिले इन पोजीशन हुआ या एक मार्केट में हाइप क्रिएट हो गया था, स्पेकुलेटर्स मार्केट में आ गए थे, इन्वेस्टर्स से एंड यूजर्स भी सोच रहे थे कि मैं दो प्रॉपर्टी ले लेता हूं, बुक कर लेता हूं, बाद में उसको एक में कन्वर्ट कर लेंगे, एक को बेचकर, वो ट्रेंड पिछले कुछ दिनों में बहुत चला, लेकिन रूलिंग गवर्नमेंट जब से आई तो वो मार्केट सिनेरियो चेंज हुआ, यहां इन्वेस्टर्स मार्केट से खत्म हुए और जो स्पेकुलेटर्स थे वो पूरी तरह से मार्केट से खत्म हुए। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज को चेंज किया, अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोशन किया, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम दी जिसके अंदर करीब 2.30 से 2.67 लाख तक का बेनिफिट दिया, इससे सारा ट्रेंड जो था वो नए होम बायर्स मार्केट में आने शुरू हुए, क्योंकि मार्केट को चलाता जो है, उठाता एंड यूजर है और मार्केट को दौड़ाता स्पेकुलेटर है, तो यहां मार्केट दौड़ नहीं रही। समझने की बात यह है कि यहां इस टाइम मार्केट में एंड यूजर निकलकर आया है और वो टीयर टू टीयर थ्री सिटीज की तरफ भी बढ़ रहा है, क्योंकि उसे इन्वेस्टमेंट में वहां पर भी रिटर्न अब आना दिख रहा है, जिस हिसाब से ग्रोथ अब ऑल ओवर नेशनल लेवल पे ग्रोथ हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा स्मार्ट सिटी भी लॉन्च हुई, तो स्मार्ट सिटी से कारण भी, क्योंकि अब स्मार्ट सिटी की बात भी कर रहे हैं अगर हम, तो उसमें पीपीपी मॉडल है जहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी लैंड एक ऑप्शन होता है सिटी के अंदर देने का, तो ऐसे ऑप्शंस ने टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में ग्रोथ दी है, क्योंकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर वीक था, बड़ी कंपनीज वहां नहीं आ रही थी, उन सबका अब ट्रेंड उन सिटीज की तरफ बढ़ा है, यही एक मेजर रीजन है कि ग्रोथ अब इन सिटीज में भी दिखाई दे रही है। प्रदीप जी, जिस तरह से आपने बताया बहुत डिटेल में कि अच्छा खासा परसेंटेज है जो छोटे शहरों की तरफ बढ़ा है, तो ऐसे में क्या ये माना जाए जो बड़े शहर हैं जहां पर अब तक काफी भागदौड़ रहती थी कि हम कोशिश यही करते थे जो खरीदार हैं कि इन शहरों में आप कहीं भी कुछ प्रॉपर्टी ले लीजिए आपको फायदा होगा, यानी कि अब आने वाले वक्त में यहां पर नुकसान अगर हम प्रॉपर्टी के लिहाज से देखें रियल एस्टेट में मामला ठंडा पड़ेगा आने वाले वक्त में? देखिए, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वहां पर तो थोड़ा सा रिटर्न दिया है, नहीं तो ऑलमोस्ट 2012 के रेट्स आप आज भी मार्केट में देख सकते हैं। अगर 2012 के रेट्स आज भी मार्केट में आप देख रहे हैं तो इन्फ्लेशन के हिसाब से वो प्रॉपर्टी ने आपका रिटर्न नहीं दिया है, वो प्रॉपर्टी आपकी माइनस में हुई है, लेकिन टीयर टू टीयर सिटीज में जहां बहुत ज्यादा उस समय जब मार्केट रन कर रही थी, बुल रन था मार्केट में, उस समय बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुई थी, लेकिन जो पिछले कुछ दिनों में जिस हिसाब से डेवलपमेंट होनी शुरू हुई है एक, तो उसमें उन सिटीज ने अच्छा रिटर्न दिया है, और जैसे बड़े कॉरपोरेट्स भी वहां जा रहे हैं तो रिटर्न एनसीआर या मेट्रोपॉलिटन सिटीज की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली रिटर्न उधर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। इस पर हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। अगर आप भी प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। देखते रहिए दिल्ली आज तक। चलिए, हम लगातार बात कर रहे हैं छोटे शहरों की तरफ जिस तरह से निवेशकों का रुख बढ़ रहा है, क्या असर इसका आने वाले वक्त पे होगा, कितना फायदेमंद ये सौदा रहेगा। प्रदीप जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, साथ ही हमारे साथ उद्धव पोद्दार जी स्टूडियो में मौजूद है, सीईओ भूमिका ग्रुप से।
उद्धव जी आपसे सवाल, अगर ऐसे शहरों में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं खरीदार, तो खासतौर से किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आगे किसी मुसीबत में वो ना फंसे? हमेशा एक ग्रेट डेवलपर्स के साथ काम करें, इवन स्मॉल टाउन्स में अच्छे डेवलपर्स के साथ काम करना जरूरी है। लोकेशन 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 रियल एस्टेट में कहते हैं, तो छोटे टाउन में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें, साइट पर जरूर जाएं, विजिट करें, डेवलपर से खुद मिलें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले। प्राइसिंग का इन्वेस्ट चेकिंग करना कि आसपास में मार्केट में क्या प्राइस चल रहे हैं, ठीक रेट पे आपको माल मिल रहा है कि नहीं, यही बेसिक फैक्टर्स हैं इन्वेस्टमेंट करने। प्रदीप जी, एक आप अपने शहर से जाकर किसी दूसरे शहर में इतना पैसा लगा रहे हैं, तो बहुत बार ये भी शिकायत देखी जाती है कि कह कुछ दिया जाता है लेकिन बाद में मिलता कुछ और है, दिखाया कुछ जाता है होता कुछ और है। देखिए सुरती, समझने वाली बात यह है कि क्या दिखाया गया, क्या हुआ, इसमें अब थोड़ा सा चेंज आ गया है क्योंकि रेरा आ चुका है। कम से कम जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें रेरा इफेक्टिव साबित हुआ है। हर चीज डेवलपर को पहले रेरा में सबमिट करनी पड़ती है, उसके बाद रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और रेगुलर रेरा उसके ऊपर मॉनिटर भी करता है, डेवलपर को एक अपनी रिपोर्ट भी कंटिन्यूसली सबमिट करते रहना पड़ता है। मतलब डिले इन पोजीशन या साइफन ऑफ फंड जो पहले एक रूटीन ट्रेंड था वो चेंज हो गया है, अब ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है। डेवलपर अगर कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट भी करना होगा, तो वो सिचुएशन अब खत्म हो चुकी है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टी हमेशा आपको वहां लेनी चाहिए जहां आप वहां पहुंच सकें, तो ऐसा नहीं है कि एनसीआर या मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लोग ही वहां जाके प्रॉपर्टी ले रहे हैं, उन छोटे शहरों के लोग भी जो अब तक मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इन्वेस्टमेंट को फोकस करते थे, उन्होंने खुद उस एरिया में जहां वो रहते उन एरियाज में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी है। और जैसा कि अभी हमने बताया, एनआरआई का इन्वेस्टमेंट का फोकस भी, क्योंकि एनआरआई सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज के नहीं हो सकते, वो जिन टाउन से है उन्होंने भी अपने टाउन में जब आरओआई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छी देगी तो उन्होंने उस एरिया में वहां इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी, जिसमें एक बढ़ता हुआ मेट्रो का जाल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जहां जहां मेट्रो गई है वहां वहां ग्रोथ आई है। और साथ में गवर्नमेंट की जो स्मार्ट सिटी की स्कीम है, 100 स्मार्ट सिटी शहर, उसने भी लोकल एरिया में, मतलब टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में एक अच्छी ग्रोथ की ऑप्शन दी है। यही एक मेजर कारण रहा है कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वहां पर, और अब रेरा, जैसे मैं बता रहा हूं कि रेरा आने के बाद वो इन्वेस्टमेंट के लिए डर भी अब खत्म हो चुका है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, रंजना है हमारे साथ। जी रंजना, पूछे क्या सवाल आप पूछना चाहती हैं? मैम, मेरा सवाल है कि लास्ट ईयर डीडीए ने एक सेंक्शन पॉलिसी करवाई थी, ये है लैंड पूलिंग की पॉलिसी जी और एनसीआर, तो क्या इसमें हम निवेश करना ठीक रहेगा? नहीं, निवेश आप क्या करना चाह रहे हैं लैंड पूलिंग पॉलिसी में? प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं, जैसे कि उसमें 3 बेडरूम 2 बेडरूम के फ्लैट्स हैं छावला डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जो गुड़गावा की, नॉट गुड़गावा, द्वारका की तरफ। आपको क्या ऑफर आई है थोड़ा सा बताएंगे? हमें ऑफर आई है कि आप 2 बेडरूम या 3 बेडरूम का सेट ले सकते हैं फॉर 50-60 लाख के आसपास, ठीक है? और ये डीडीए ने अप्रूवल दे दिया है इसके लिए, तो हम लोग किसानों से जमीन खरीदेंगे, डीडीए में पेपर सबमिट करेंगे, एंड देन हमारा क्या होगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन है मे बी विद इन 2 ईयर्स स्टार्ट हो जाएगा, इन 2021 या 2022 तक हमें पोजिशन मिल जाएगी। देखिए रंजना जी, ये कहानी ना कहानी के रूप में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल ये चीजें ना बहुत दूर है। पहली बात आपको समझनी पड़ेगी, डीडीए की लैंड पॉलिसी जरूर आ गई है, डीडीए को लैंड पूलिंग एजेंसी बनाया गया है, लेकिन डीडीए ने अभी अपनी वेबसाइट बना के लैंड ऑनर को इनवाइट किया है कि आप अपनी लैंड की डिटेल सबमिट करें, अगर 70% लैंड किसी सेक्टर की अप्लाई होगी और वो कंटीजियस लैंड होगी तब वो सेक्टर लैंड पूलिंग के लिए एप्लीकेबल होगा, और वहां पे 60% ऑलमोस्ट 53% रेजिडेंशियल, 5% कमर्शियल और 2% पब्लिक यूटिलिटी, टोटल 60% लैंड वापस लैंड ऑनर को दी जाएगी। उसके बाद सारी अप्रूवल्स आएंगी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, या उसके बाद डेवलपर अगर कोई है या लैंड ऑनर है वो रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, उसके बाद वो बुकिंग ओपन कर सकता है। बहुत लंबा प्रोसेस है जो आप बता रहे हैं, और आज जो आपको मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फर्जी है, आप प्लीज उसे बचें। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ नीतीश है पीतमपुरा से। जी नीतीश, पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी।
हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना है। जी हाँ, हम आपको सुन रहे हैं, पूछे सवाल। हाँ जी मैम, मुझे पूछना है कि प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए अभी राइट टाइम है या फिर अभी कुछ वेट एंड वॉच के सीजन कर सकते हैं। उद्धव जी, आप सवाल का आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? मतलब सर, अभी मुझे रेडी टू मूव फ्लैट ये कह रहा हूँ कि रोहिणी सेक्टर 28 में MIG फ्लैट। हाँ नहीं, MIG फ्लैट के लिए अगर आपका इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट एब्सोल्युटली। आपकी जो प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है या अंडर कंस्ट्रक्शन? नहीं सर, ये रेडी टू मूव फ्लैट है, DDA की फ्लैट है। रेडी टू मूव इन फ्लैट के लिए इट्स हमेशा गुड टाइम है, इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट एब्सोल्युटली। जी, तो लगातार हमारी पेशकश जारी है, आप भी कॉल कर सकते हैं अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई सवाल जवाब आप चाहते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, देखते रहे दिल्ली आज तक। आप देख रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी, हम बात कर रहे हैं छोटे शहरों की तरफ जिस तरह से प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स का रुख बढ़ रहा है, क्या इसका असर हो रहा है, कितना असर हो रहा है, कितना फायदेमंद ये सौदा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदीप जी और हमारे साथ उद्धव पोद्दार जी हैं, CEO हैं भूमिका ग्रुप के। उद्धव जी, आपसे सवाल, जिस तरह से लगातार इंडस्ट्रीज को भी हटाया गया बड़े शहरों से, इनको छोटे शहरों की तरफ भेजा गया, तो इसका किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? नहीं, इसका छोटे टाउन में डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, बिकॉज जब इंडस्ट्रीज आती हैं तो साथ साथ में जॉब्स आते हैं, जॉब्स आते हैं तो लोग वहाँ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ से इंडस्ट्रीज छोटे टाउन्स में गई हैं, प्लस नई इंडस्ट्रीज भी जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है वो सारे स्मॉल टाउन्स में ही आ रही है, बिकॉज दिल्ली बॉम्बे में कोई लैंड अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंडस्ट्रीज के लिए, तो सारा इन्वेस्टमेंट स्मॉल टाउन्स में आ रहा है। और जो पहले अर्बनाइजेशन होता था मेट्रोज में, अब वो सारा का सारा अर्बनाइजेशन स्मॉल टाउन्स में हो रहा है। अब जब लोग शिफ्ट होते हैं तो हाउसिंग की डिमांड आती है, हाउसिंग की डिमांड के साथ साथ कमर्शियल की डिमांड आती है, तो दैट इज यही कारण है जिसकी वजह से कि अच्छा ग्रोथ मिल रहा है टियर टू टाउन्स में। प्रदीप जी, यानी कि जिस तरह से उद्धव जी हमें बता रहे हैं, बहुत गोल्डन पीरियड आने वाले वक्त में छोटे शहरों के लिए, जिस तरह से हर चीज में वहां पर बढ़ोतरी देखी जा रही है, उन्होंने बताया कि किस तरह से डेवलपमेंट आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा होने वाली है ऐसे शहरों में। देखिए ज्योति, यहाँ पे मैं इसे ना इलेक्शन से भी कोरिलेट करूंगा, क्योंकि इलेक्शन का सीजन है, 23 तारीख को रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। यहाँ एक्सपेक्टेशन दिख रही है जो वो एक स्ट्रांग गवर्नमेंट फिर से आ सकती है। मुझे लगता है कि गठबंधन की सरकार को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो अगर स्ट्रांग गवर्नमेंट आएगी तो पिछले कुछ दिनों में जो बड़े रिफॉर्म्स आए जिसमें GST, रेरा, डीमोनेटाइजेशन, इंसॉल्वेंसी लॉज, इन सब का जो इफेक्ट रियल एस्टेट पे पड़ा वो एक तरह से भूकंप की तरह था, वो अब लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। इमीडिएट में कहूंगा शायद रियल एस्टेट के लिए एक झटका था, वो बहुत बड़ा झटका था, लेकिन अब रेरा आने के बाद ये सारी चीजें धीरे धीरे स्टेबल हो रही है, क्योंकि इसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिशियल हो सकता था। और अगर सेम गवर्नमेंट रिपीट करती है तो ये पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है कि पिछले कुछ दिनों में जो प्रॉपर्टी पर रिटर्न एवरेज आया है वो आने वाले 5 साल में प्रॉपर्टी पे एक अच्छा रिटर्न भी आ सकता है। आप बेहतर वक्त देख रहे हैं आने वाले वक्त। जी जी, मयंक एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। मयंक, पूछे क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं? मैम, मुझे ये पूछना है कि मैंने लास्ट ईयर जी इन्वेस्ट किया था सैमसंग सिटीज सेक्टर 95 में। विच सिटी? गुड़गांव। गुड़गांव में, हाँ ठीक है। उन्होंने ये बोला था कि हम आपको मार्च 19 में पोजीशन दे देंगे, और उसके मैंने उनसे पूछा था कि कमेंसमेंट डेट क्या है, तो उन्होंने कहा था अगस्त में हमारी डेट कंप्लीट होगी 19 में, बट विल हैंड ओवर बाय मार्च 19। नाउ मार्च 19 पास हो चुका है, अगस्त में बात हुई देने की, बट वो भी कह रहे हैं अभी पॉसिबल नहीं है, विल गिव यू इन जनवरी 20। तो इन दिस सिचुएशन हाउ टू सेल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर मैं वो कमेंसमेंट डेट जाननी है प्रॉपर्टी को, तो मुझे फिर से पता चलेगी। नहीं, प्रॉपर्टी आप ले चुके हैं, राइट? यस, प्रॉपर्टी मैं ले चुका हूँ। प्रोजेक्ट में डिले हुआ है? हाँ जी, प्रोजेक्ट डिले चल रहा है। आपने कॉरेस्पॉन्डेंस डेवलपर से किया रिटर्न कॉरेस्पॉन्डेंस? हाँ जी, हर महीने करता हूँ। परफेक्ट। देखिए, रेरा की वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं, डेवलपर की कमिटमेंट जो आपको ओरल थी या रिटर्न में थी, क्योंकि अब वो सब चीजें ट्रांसपेरेंट है, आप रेरा की वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल देख सकते हैं। अगर कुछ मिसमैच है कमिटमेंट में तो आप डेवलपर के खिलाफ रेरा में जाके शिकायत कर सकते हैं, और डेवलपर से डिले कंपनसेशन का डिले वो भी क्लेम कर सकते हैं। वन साइडेड बिल्डर बायर एग्रीमेंट पिछले कुछ दिनों में हिसाब से NCDRC के जजमेंट्स आए हैं, उसने वन साइडेड बिल्डर बायर एग्रीमेंट को एक तरह से नकार दिया है, जो अक्सर पहले ट्रेंड चला करता था 5 रुपीज पर स्क्वायर फीट का, उसे बिल्कुल नकार दिया है। अब जो एक आपका इंटरेस्ट रेट है वो डेवलपर से आप क्लेम कर सकते हैं।
रिफंड के केस में या पोजीशन के लिए डेवलपर को पेनलाइज भी किया जा सकता है। जी चलिए प्रदीप जी, हम जो हमेशा पूछते हैं एक शो के आखिर में एक टिप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जिसका खास तौर से ख्याल रखना चाहिए सभी इन्वेस्टर्स को। देखिए मैं कहूंगा राइट टाइम इन्वेस्टमेंट का आ चुका है, इस टाइम बाहर निकलिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो प्रॉपर्टी ने ग्रोथ नहीं दिया है वो पिछले एक साल में देना शुरू कर दिया है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, चाहे वो टीयर टू टीयर थ्री सिटीज ही क्यों ना हो, वहां पर ग्रोथ अब आनी शुरू हो चुकी है, तो राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी में। एक कॉलर ले लेते हैं, मोहित। मोहित पूछे सवाल क्या है आपका। सर मैं ये जानना चाहता था कि मेरे को नॉर्थ ईस्ट में बीएचके अभी लेना है, तो वो कौन से रेरा में बेटर रहेगा। सवाल दोहराए अपना मोहित। सर अभी बीएचके के लिए अप्लाई करने के लिए कौन से रेरा में हम अप्लाई कर सकते हैं। टू बीएचके लेना चाहते हैं ये। कौन से रेरा में अप्लाई कर सकते हैं। जी सर, बीएचके लिए रेरा अथॉरिटी है जहाँ पे अगर कोई आपको इश्यूज आते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड तो आप वो आपके वहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं। रेरा कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं कर रहा है, बाकी कौन से एरिया में आपको कहाँ रहते हैं वहाँ आसपास देखिए, वो ज्यादा बेटर मेरे के हिसाब से रहेगा। भाई बहुत सारे लोगों को बहुत देखिए यहाँ पे अवेयरनेस की मेरे को लगता है कि यहाँ कमी है, क्योंकि आने के बाद थोड़ी उद्धव जी आप भी एक अपना कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा और टिप हमारे दर्शकों को दें जो कि फायदेमंद उनके लिए हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ देखें, कमर्शियल, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, आजकल काफी अपॉर्चुनिटी है इन तीनों एसेट क्लासेस में, और टीयर टू टाउन में अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इनमें जो टेनेंट्स हैं इन तीनों चीजों के उनके बहुत अच्छे एक्सपेंशन प्लान्स हैं, तो इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी। जी चलिए उद्धव जी आपका भी और प्रदीप जी आपका भी बातचीत के लिए शुक्रिया। आपकी प्रॉपर्टी में आज के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली आज तक।